अगर आपकी गाय भैंस या कटिया बछिया ग्यारहवीं नहीं ठहरही, यानी कि वो रिपीटर हो चुकी है। रिपीटर होने का मेन कारण यह है कि उसके बच्चेदाने के अंदर इन्फेक्शन है। तो आपको इसका इलाज क्या करना है? आपको 100 ग्राम देसी घी का हलवा करना है और उस हलवे के अंदर 10 से 20 ग्राम हल्दी का यूज करना है। और वो कैसे करना है आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा है। आपको हलवा तैयार करना है और उससे पहले आपको जो बाज़ार से पाउडर हल्दी आती है वो नहीं लेना। आपको साबुत यानी गांठों वाली हल्दी लेनी है और उसको कूट लेना है, जिस तरह से इस वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है। आपको उसको कूटना है और छलनी के साथ बारीक छान लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, हलवा बनने के बाद इस तरीके से आपको ये हलवा बनाना है। और जब हलवा बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाए तो उसके अंदर 10 से 20 ग्राम हल्दी पाउडर आपको इस तरीके से डाल देना है। और याद रहे कि आपको कभी भी जो बाज़ार से पाउडर हल्दी आती है उसका यूज नहीं करना, क्योंकि वो आपको शुद्ध नहीं मिलेगी, उसके अंदर शुद्धता नहीं होगी। आपको इसके अंदर शुद्ध चीज़ों का यूज करना है, जैसे कि घी शुद्ध होना चाहिए और हल्दी भी। आपको इसको थोड़ा ठंडा कर लेना है, ज़्यादा गर्म नहीं खिलाना। तो आपको किसी भी फीड के अंदर इसको मिला लेना है, क्योंकि विदाउट फीड के हो सकता है पशु न खाए। जो कट चारू पशु होता है वो नहीं खाते, अदरवाइज पशु खा लेता है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, खली के अंदर इसको मिला दिया और इस खली के अंदर मैंने एक आध और चीज़ें हैं जो वो भी ऐड की है, ताकि पशु अच्छे से खा ले। तो इस तरीके से मैंने इसके अंदर थोड़ा चून का यूज किया। चून मैंने लिया है गेहूं का, और गेहूं के चून को भी मैंने इसके थोड़ा मिला दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि पशु कितने शौक से इसे खा रहा है। और ये रूटीन में आपको एक हफ्ते से 10 दिन 15 दिन तक आप इस इलाज को चला सकते हैं। 100% आपका जो पशु है वो ठीक हो जाएगा और प्रेग्नेंट यानी ग्यारहवीं भी ठहर जाएगा।